नमस्कार किसान भाइयों, अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फेरोमोन ट्रैप की सहायता से फल मक्खी पर नियंत्रण कैसे पाएं। जैसा कि आप देख रहे हो, यह फेरोमोन ट्रैप की सहायता से हमने दो दिन के अंदर इतनी फ्रूट फ्लाई को नष्ट कर दिया है, जो कि किसानों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। फ्रूट फ्लाई बरसात के मौसम में फल वाले बगीचे एवं सब्जियों पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि फल की क्वालिटी एवं गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो मार्केट में किसी प्रकार से बेच नहीं पाते हैं। अगर बेच भी देते हैं तो अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फल मक्खी द्वारा फल को किस प्रकार से डैमेज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस प्रकार से पंचर कर दिया जाता है, जिससे कि फल नष्ट हो जाता है या कुछ समय बाद सड़ जाता है। तो इस प्रकार की समस्या अगर किसान भाइयों आपको भी आ रही है या इस प्रकार की समस्याओं से आप बचना चाहते हैं, तो आप अपने खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप की सहायता से आप सारी फल मक्खियों को नष्ट कर सकते हैं और इन पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। देख रहे हो आप, इस प्रकार से नुकसान ये पहुंचाती है सब्जी के खेत में, बगीचों में, फल वाले बगीचों में। जैसे कि संतरे के बगीचे में फल पकने की अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। हमने हमारे आधे बीघे तिरोई के खेत के अंदर दो फेरोमोन ट्रैप लगाए थे, जिसमें आप देख रहे हो इस प्रकार से हमने फ्रूट फ्लाई नियंत्रण की है। तो इस प्रकार से आप भी अपने खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप लगाकर फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।